महिला सभा जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अखिलेश यादव आजम खान, अखिलेश यादव मुलायम सिंह, महिला सभा जिंदाबाद। बटन हमारी कहाँ दबेगी? साइकिल वाले खाने पे। चाहे वो प्रधान जी का रहा हो, प्रधान बने, चाहे क्षेत्र पंचायत बने, चाहे पार्षद बने, चाहे मेयर बने और चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष बने, उन्होंने बहुत पहले मेयर दे दिया। लेकिन आज भी आप पता करा लीजिएगा मीडिया के साथियों, बहुत से प्रदेशों में अभी भी 33% का आरक्षण नहीं है। आप गूगल उठा के देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, नहीं है। लेकिन धन्यवाद देंगे माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी को। अगर सच्ची हितैषी कोई है तो समाजवादी पार्टी है, जो बहनों के लिए खड़ी है, उनके दुख दर्द में खड़ी है। इसलिए मेरी बहनों, आप वहीं से आवाज लगाना, आवाज दो पूरा तेज से, सबके हाथ उठने चाहिए, नारा सबका लगने चाहिए, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह। अकाल को जड़ से हिला देंगे, गरम पानी डाल देंगे, बहुत अच्छा गरम पानी पड़ेगा, गरम पानी पड़ जाएगा। जो हमारी जिला अध्यक्ष के पति हैं दीपू बिपिन, आई है, क्या आपने संदेश दिया है महिलाओं का, क्या इसके पीछे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को लेके आए हैं और जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर महिलाओं के पास हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की विचार को, उनके नीति को, उनके सरकार में जो किए गए कार्य को उनको बताएं। चूँकि इस सरकार से हमारी महिलाएं बहुत परेशान हैं। हम अभी बहनों से पूछे कि बहन बताओ कि जिसके यहाँ खेत भी नहीं है, जिसके यहाँ रोजगार भी नहीं है, जिसके यहाँ कोई कमाने वाला भी नहीं है, उसका परिवार कैसे जिंदा रहेगा? आज 1000 का सिलेंडर है, कहाँ से भराएगी वो महिला? वो बेटा कहाँ से अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल लेगा जब 110 रुपया पेट्रोल हो गया? वो गाड़ियाँ कहाँ से चलेंगी जहाँ गाड़ियों में 100 रुपया लीटर का आपका डीजल हो गया? और तो और कल दिवाली है, आज धनतेरस है, आज मेरठ में मैं उपस्थित हूँ निरालती कुशवाहा, और तो और जब 230 रुपया लीटर का कड़ुआ का तेल हो गया, कैसे लोगों की ज़िंदगी जिएगी? इस महंगाई से अगर कोई ज़्यादा परेशान है तो आधी आबादी है महिलाएँ हैं। इसलिए महिलाओं ने संकल्प लिया है कि जब तक ये सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे हम दम नहीं लेंगे। आपने एक बात कही है कि बेलन से मुकाबला करें, वो क्या? अपनी सुरक्षा में। हाँ, क्या बेलन से कैसे सुरक्षा हो? अपनी सुरक्षा में, रसोई में, रसोई किचन का आप देख रहे हैं कि किचन किचन की संतुलन बिगड़ा है, तो उस किचन को संतुलन ठीक करने के लिए आपने भाजपा वाले वोट मांगना है जब उन्हें बेलन दिखाया जाए। जब वो भाजपा वाले आए तो निश्चित तौर से बेलन, चूँकि किचन का मामला है और किचन का संतुलन बिगड़ा है, तो आखिर बेलन तो मेरे पास है, हम सुरक्षा भी करेंगे, बेलन भी है मेरे पास। अब वो सुरक्षा हो जाएगी, वो समय बताएगा। अच्छा, पेट्रोल की लगातार और गैस सिलेंडर भी बढ़ रहा है लगातार, इस पे किचन पे किस तरीके से फर्क पड़ रहा है? जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा तो निश्चित तौर से प्रोडक्शन का सारे दाम बढ़ जाएगा और उसका असर आम जनता पर है। पूरे प्रदेश नहीं, देश की जनता को भिखारी कर दिया इस महंगाई ने। कभी कल्पना नहीं था कि इस आज़ादी हिंदुस्तान में 100 रुपया आपका डीजल पहुंच जाएगा, आपका 110 रुपया पेट्रोल पहुंच जाएगा, 230 रुपया सरसों का तेल पहुंच जाएगा, 1000 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा। सारा पैसा पूंजीपतियों के हाथ में वसूल के चला गया और जनता कंगाल हो गई है, जनता भुखमरी के कगार में पहुँच जाएगी अगर यही हाल। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो आपने कहा,
लेकिन आपकी सरकार में तो सबसे ज्यादा इस बात का आरोप लगा है कि महिलाएं सपा सरकार में सुरक्षित नहीं है। 101 कुंडा राज का लगातार आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। आपके नेता ये बयान दे दिया करते थे कि गलती हो जाती है लड़कों से। मैं बता रही हूँ, चूंकि हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने 1090 जो चलाया था, आप भी एक बेटी हैं, मैं भी एक बेटी हूँ, पता नहीं कितनी बेटियाँ बेटियों का सुरक्षा हुआ। अब उस बेटी जो घर में बैठ करके अगर कोई गुंडे बदमाश माफिया अगर आया तो सुरक्षा, हम तो कह रहे हैं कि गोरखपुर की घटना आप उठाइए ना, जहाँ गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी का कस्बा है, जिला है, वहीं कैंपस में बेटी के साथ रेप होता है, हत्या होती है, हत्यारे पकड़े नहीं जाते हैं, आज तक नहीं पकड़े गए, आखिर क्या कारण है। और हाथरस की घटना मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ, हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, हमारे हिंदू धर्म में किरण डूबने के बाद मिट्टी नहीं होती, रात में मिट्टी नहीं होती, आखिर कौन सी ऐसी आफत थी कि किरण डूबने के बाद 12 बजे रात में उस बेटी को दफनाया गया, उसके माँ बाप से भी नहीं मिलने दिया गया, कौन सी ऐसी बात। महिलाओं को आपने समझा दिया कि समाजवादी को वोट देना, और कितनी सीटें आपके समाजवादी जीते? 400। अच्छा मैडम ये बताइए कि अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया है जिसमें विभाजन के टाइम पे जिन्ना को फेवर करते हुए और तुलना करी गई है पटेल साहब। ये माननीय अखिलेश यादव जी से पूछिएगा हमारे नेता। अच्छा कांग्रेस ने 40% टिकट देने की बात कही है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की महिलाएं ताल ठोकती नजर।